नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सर टीवीएल कोचिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह वीडियो बिहार पॉलिटेक्निक या आईटीआई या पारामेडिकल का नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का दूसरा वीडियो है। हम चाहेंगे कि इस वीडियो में आपका नंबर सिस्टम पूरा ख़त्म कर दें। यदि आपने नंबर सिस्टम वाला पहला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं जिसको हम 11 नंबर इंडिकेट किए हैं। 10 प्रश्न उसके पहले वाले वीडियो में हम सॉल्व करा चुके हैं। 11 नंबर सवाल आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल 18 हो तो एक्स माइनस 1/x का मान क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है तो आप इसको पहले सॉल्व करेंगे। 11 नंबर का सोल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल 18 है और तो हमसे पूछ रहा है देन एक्स माइनस 1/x इक्वल कितना होगा और उसी को आप टिक कीजिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से आप देख सकते हैं फार्मूला क्या होगा। एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इस तरह होगा आपका। सो सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स एक्स कैंसिल होगा, क्या हो बचा 2 बचा आप प्लस 1 का स्क्वायर 1 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो क्या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इस तरह आप लिख सकते हैं इसको। और माइनस 2 हम लास्ट में लिख दे सकते हैं, इसको हम आगे कर दिए, इसको हम पीछे कर दिए, क्या कर दिए जी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² - 2, इस तरह हम कर दिए। क्या आप देख सकते हैं इसके जगह पर क्या हम 18 ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के जगह पर हम 18 ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर देंगे 18 और माइनस 2 घटेगा तो कितना आएगा 16 आएगा। ये आपका मान आया एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर का मान कितना आया 16 आया। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है एक्स माइनस 1/x लिखा निकालना है। तो आप यहाँ पर ले सकते हैं आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या निकला 16। इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या चलेगा रूट, एक्स माइनस 1/x इक्वल कितना हो गया रूट अंडर 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और यही आपका एक्स माइनस 1/x का मान आया 4 और आप 4 पर टिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। आप इस सोल्यूशन को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के सवाल आपके बिहार पॉलिटेक्निक में, बिहार आईटीआई में या बिहार पैरामेडिकल में पूछे जाते हैं इसी टाइप के सवाल। ठीक है, इस तरह आप दूसरा सवाल देख सकते हैं, लिखा हुआ है यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का समापवर्तक एक्स प्लस ए है तो ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल को आप इस तरह सॉल्व कीजिएगा, यदि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और दिया हुआ है बगल में एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का समापवर्तक क्या है एक्स प्लस ए है। इसी समापवर्तक को आप 0 के बराबर रखिएगा, क्या होगा एक्स प्लस ए बराबर 0 होगा, तो इसलिए एक्स का वैल्यू क्या निकला माइनस ए आया। अब क्या कीजिए, इन दोनों को बराबर करके इसका मान भरिए। सवाल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब सभी जगह हम जहाँ एक्स है वहाँ पर माइनस ए भरेंगे, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस ए प्लस बी, फिर यहाँ पे माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू माइनस ए प्लस यहाँ पे डी ली देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इधर प्लस में इधर का माइनस में दोनों कट जाएगा तो इधर क्या बचा आपका माइनस ए एक ए ए प्लस बी और इधर बचा आपका माइनस ए सी प्लस डी। तो इस तरह आप क्या कर कीजिएगा, इसको इधर लाइएगा क्या निकलेगा आपका ए सी माइनस ए ए
और इधर ये बी प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा डी माइनस बी। तो यहाँ पे आपका दोनों में ए कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा सी ए इंटू सी माइनस ए आई इक्वल डी माइनस बी, और यहाँ पे गुना में उधर जाएगा तो भाग में ए का मान कितना है आपका डी माइनस बी अब बटा सी माइनस ए आया। और यही क्या है आपका ए का मान है जो अभी तो फिलहाल किसी ऑप्शन से नहीं मिल रहा है, लेकिन हम दोनों ऊपर नीचे गुना करते हैं माइनस वाले चिन्ह से, तो माइनस वाले चिन्ह से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस डी और प्लस बी और बटा माइनस सी और प्लस ए। आप इसको सीधा लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, जो सीधा लिखेंगे हम तो हम लिख सकते हैं इसको बी माइनस डी बटा ए माइनस सी, मतलब ऑप्शन मिलाने के लिए हम ऊपर नीचे माइनस से गुना किए। आपको पता होगा कि हम ऊपर नीचे किसी अंक से भी गुना कर सकते हैं, किसी चिन्ह से भी गुना कर सकते हैं, बशर्ते ऊपर अंश में भी करना होगा और हर में भी करना होगा। तो बी माइनस डी बटा ए माइनस सी हमारा राइट ऑप्शन आया, ए का वैल्यू आया। तो ये जो ऑप्शन होगा किससे टच कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी से मिल रहा है, आप बी पर ही टिक कीजिएगा, ठीक है। इस तरह आप अगला सवाल देख सकते हैं, 13 नंबर सवाल लिखा हुआ है संख्या 37,052 में अंक 7 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होता है। तो आपको सबसे पहले स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में पता होना चाहिए, और अंतर क्या मतलब होता है घटाव। तो आप यहां पे 13 नंबर सवाल का सॉल्यूशन देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है संख्या जो है आपका कितना है, संख्या है आपका 37,052 और इसमें हम निकालेंगे 7 का स्थानीय मान। स्थानीय मान को हम प्लेस वैल्यू भी कहते हैं, क्या बोलते हैं जी, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्थानीय मान 7 का निकलेगा, 7 लिख दीजिए यहाँ पे, 7 के बाद कितना अंक है तो 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए। तो 7 का स्थानीय मान कितना निकला 700, ठीक है। अलग अलग संख्या में अलग अलग संख्या का स्थानीय मान अलग अलग होता है, ठीक है। और आपने को निकालना है 7 का अंकित मान, अंकित मान को हम जातीय मान भी कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं, क्या बोलते हैं जी, फेस वैल्यू। तो ये आपका क्या क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा स्थानीय मान में उस अंक को भी लिखेंगे और उसके अंक के बाद जितना भी अंक होगा उतना जीरो लिख देंगे, ठीक है। और जातीय मान यानी अंकित मान में सिर्फ वही अंक लिखेंगे। अब इसका क्या बोल रहा है जी, इसका बोल रहा है अंतर निकालने के लिए, अंतर का मतलब होता है घटाओ। तो 700 माइनस 7 कीजिएगा तो कितना निकलेगा आपका, 10 में 7 गया तो 3 बचा, 9 उतर गया, यहाँ पे 6 उतर गया, इस तरह आपका आंसर है 693। ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका सही उत्तर होगा। क्या आपने स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में समझा, इस टाइप से सवाल आएंगे तो आपको इसी तरह बनाने होंगे। स्थानीय मान का मतलब क्या, उस अंक को भी लिखेंगे जिसमें मैं बोलूँगा कि 4,593 में 5 का स्थानीय मान बताइए। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता सकते हैं, इसका उत्तर क्या होगा जी, 5 लिख देंगे, 5 के बाद 2 को अंक है तो 2 को जीरो यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह 5 का स्थानीय मान क्या निकला 500, और मैं बोलूँगा कि 4 का जातीय मान निकालिए तो क्या लिखिएगा, 4 के जातीय मान 4 ही होगा, 5 के जातीय मान 5 ही होगा, ठीक है। मतलब आपने समझा। अगला 14 नंबर सवाल है संख्या 3,465 में 4 का स्थानीय मान और संख्या 71,245 में 7 का स्थानीय मान का योगफल पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको आपको इसका यहाँ पर सॉल्यूशन देखना होगा। ये 14 नंबर सवाल का सॉल्यूशन है, सवाल है 3,465 में 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा जी, आपका प्लेस वैल्यू इसका होगा 4 लिख देंगे, 4 के बाद 2 अंक है तो क्या लिखेंगे 400, ठीक है। और संख्या कितना है आगे, 71,245 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा जी, 7 के बाद कौन अंक है, 4 को अंक है, 1, 2, 3, 4, तो 7 पर 4 बार 0 होगा, ठीक है। योगफल का मतलब जोड़ना, आप इस दोनों को जोड़ सकते हैं, कितना आएगा जी 0, 0, 4, 0, 7, यानी 70,400 जो होगा आपका सही उत्तर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट ऑप्शन होगा 70,400। तो जब भी आपके परीक्षा में या फिर आपके
बिहार पॉलिटेक्निक या बिहार पैरामेडिकल या बिहार आईटीआई में इस टाइप के सवाल आएंगे, तो आपको जल्दीबाजी में इसी टाइप से बनाना होगा, ठीक है। और आप जल्दीबाजी में बनाइएगा, इसका मतलब क्या, होश में बनाना है। देखिए, घबराना बुरी बात नहीं है, घबराइए, लेकिन होश में घबराइए, बेहोश में नहीं घबराना है, होश में घबराइएगा तो ये आपका सही उत्तर आएगा। नहीं तो बेहोश में घबराइएगा तो हबर दरबर में क्या होगा, आप जोर या घटाव या गुणा भाग को आप गलत कर सकते हैं, आपका उत्तर अलग आ सकता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आप होश में घबराइएगा, तेजी में होश में अपना काम कीजिएगा, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर। इस तरह आगे 15 नंबर सवाल आप दे सकते हैं। संख्या 913,945 में 9 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर बताना है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे 15 नंबर का सवाल देख सकते हैं, लिखा हुआ है 913,945 में 9 का स्थानीय मान, तो इसमें 2 गो 9 है, तो इस 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 पर कौ 0, 2, 2, 4, 5, 0। और इस 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 लिख देंगे, 9 के बाद 2 अंक, तो 2 गो 0। दोनों का क्या निकालना है जी, अंतर निकालना है। आप घटा सकते हैं यहाँ पे, 0, 0, 10 में से 9 गया 1, 9, 9 और यहाँ पर 8 हो गया, तो क्या निकला आपका, 899,100। और यही आपका सही उत्तर होगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसी से मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही उत्तर होगा। तो आपको याद रखना होगा, स्थानीय मान और जातीय मान से जो भी सवाल आएंगे लगभग लगभग इसी टाइप से होंगे, आपको इसी टाइप से उन सबको बनाना होगा, ठीक है। और आप 16 नंबर सवाल देख सकते हैं, लिखा हुआ है 2105 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल जो होगा 33 से विभाजित हो जाएगा। तो ये सवाल जो है ना भाई, ऑप्शन सवाल है, मतलब बोल रहा है ना कि 21 से 5 में आप क्या जोड़िएगा, 1 जोड़िएगा या फिर 4 जोड़िएगा या फिर 7 जोड़िएगा या फिर 8 जोड़िएगा कि वह पूरी तरह 33 से कट जाए, विभाजित हो जाए। तो आप पहले 1 जोड़ते हैं, तो 21 से 5 है, 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 21 से 6 हो जाएगा, कैसे में 33 से भाग लगेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो 6 बार में जाएगा, 3 से 18 के 18 से ले 3 से 18 के 19, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 9 गया 1 और ये कट गया, फिर यहाँ पे 6 उतरेगा तो कितना बार में जाएगा, लगभग 4 बार में अधिक हो जाएगा, 3 बार में लग जाते हैं, 3 के 9, 16 में से 9 गया 7 और यहाँ पे 11 में से 9 गया तो 227, क्या कटा, पूरा नहीं कटा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट ऑप्शन नहीं होगा। बी में आते हैं, तो 21 से 5 में 4 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 21 से 9 हो जाएगा, इसमें 33 से भाग कीजिए, तो फिर यहाँ पे 6 बार में ही जाएगा तो 198 आया, यहाँ पे भी फिर 12 ही आएगा, फिर यहाँ पर 9 उतरा तो ये कितना बार में जाएगा जी आपका, ये 3 बार में ही जाएगा, 3 के 9 और 3 के 9, 9 9 0, यहाँ पर 12 में से 9 का 3, ये भी पूरा पूरा नहीं कटा, तो ऑप्शन नंबर जो बी जो होगा यही, ये भी आपका सही उत्तर नहीं होगा। सी देखते हैं, 21 से 5 में 7 जोड़िए तो कितना आएगा, 2112 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप 33 से भाग कर सकते हैं, तो ये भी 3 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 198 होगा, 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे बच गया, कट गया, फिर यहाँ पे 2 उतरा, फिर 3 बार में जाएगा, 99 आएगा, 12 में से 9 गया 3 और यहाँ पे नहीं 4 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 3 चौका 12 के 2 चौका 13। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट ऑप्शन होगा, आप सी पर ही टिक कीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है यदि 1 खाली डिब्बा, 3 खाली डिब्बा, 6, 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो खाली डिब्बा के स्थान पर आप कौन सा अंक लिखिएगा, 6 लिखिएगा या 5 या 2 या 1। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है 1 खाली डिब्बा, 3 खाली डिब्बा, 6। आपको 11 का विभाजिता का नियम मालूम होना चाहिए। 11 का विभाजिता का नियम क्या बोलता है, तो 11 का विभाजिता का नियम बोलता है कि इवन नंबर वाला संख्याओं का जो जोड़ होता है वह ओड नंबर वाले संख्याओं के जोड़ के अंतर में क्या आता है, योगफल
जो आता है सुनने आता है, क्या आता है सुनने आता है, सुनने दिया आता है, तो वह 11 से विभाज्य होगा, नहीं तो 11 से विभाज्य नहीं होगा। तो आप सब ओड वाले को जोड़ सकते हैं, 1 + 3 + 6, तो इसको जोड़िएगा कितना आएगा, तो 1 × 3 = 4 = 10 आया। अब 10 में कितना घट जाएगा कि 10 0 आएगा, तो 10 में से 10 जाएगा तभी तो 0 आएगा, तो 10 में से 10 गया तो 0 बचा, तो 10 को आप दो को बॉक्स में बांटिएगा, तो क्या लिखिएगा 5 और 5 = 10 हो गया। तो इस तरह ये हुआ 15356 जो होगा 11 से विभाज्य होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप 11 से इसमें भाग कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा, इसे मान लीजिए ये कोई संख्या होगी, कोई संख्या होगी, तो आप इसको 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 यानी 6 + 4 + 4 जोड़िएगा, ठीक है, और फिर इसको इसको जोड़िएगा और दोनों को घटाइएगा, दोनों का अंतर 0 आएगा, तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगा नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है, इसको जांचने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, 10 × 4 = 14 और -8 कहाँ आया, 0 6 आ गया, इसलिए यह संख्या जो होगी 11 से विभाज्य नहीं होगी, लेकिन ये आपकी 15356 वाली जो संख्या होगी 11 से विभाज्य होगी, आप भाग करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, 5 अंकों 0, 1, 4, 3, 5 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे 0, 1, 4, 3, 5 यानी ये 5 अंकों के मेल से सबसे बड़ी संख्या बनाना है। सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी जी, तो आपको याद रखना होगा कि जब भी आप किन्हीं अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाएं, तो सबसे बड़ा को पहले लिखे, उससे छोटा को लिखे, उससे छोटा को लिखे और सबसे छोटा को अंत में लिखे। तो क्या लिखेंगे आप, 5, 4, 3, 1, 0 मतलब इन 5 अंक से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, तो 54,310 बनेगी, ठीक है। और सबसे छोटी की बात की जाए तो आपको याद रखना होगा, जब सबसे छोटी संख्या बनानी होगी अंकों से, तो आप सबसे छोटा को पहले लिखेंगे, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा और अंत में सबसे बड़ा को लिखेंगे, बशर्ते वह 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 आप सबसे पहले लिखते हैं तो अंक के पहले 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो वह 0 हट जाएगा, तो वह संख्या कहाँ बन पाएगी। इसलिए 0 का नाम लिख के आप किसको लिखिएगा, 1 को लिखिएगा, फिर 0 को, फिर 3 को, 4 को और 5 को, ठीक है। आपने सबसे बड़ा लिखा, सबसे छोटा लिखा, अब क्या बोल रहा है कि दोनों का अंतर क्या होगा, अंतर का मतलब होता है घटाना, तो आप इसे घटा सकते हैं, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, यहाँ 12 में से 3 गया 9, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 1 गया तो 4, यानी 43,965 आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका सही उत्तर होगा, आप इसी पर टिक कीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, वह संख्या कौन सी है जिसे स्वयं गुना करने पर 365 से 4 काम आए, तो आप संख्या को मान लेते हैं x, संख्या को हम क्या मान लेंगे जी, x, तो क्या बोल रहा है प्रश्न के अनुसार, बोल रहा है कि संख्या को संख्या से यानी स्वयं से गुना करते हैं, तो इसे गुणनफल जो आता है आपका 365 से 4 कम आता है, मैंने ऐसा ऐसा लिखा था वैसे हम कर दिए, क्या बोल रहा है वह संख्या कौन सी है जिसे स्वयं गुना करने पर, तो स्वयं में हम गुना कर दिए और 365 में 4 कम है, कम कहा तो हटाएंगे और अधिक कहेगा तो जोड़ेंगे, तो यहाँ पे x x x स्क्वायर हो जाएगा, ये घटेगा तो 361 और इधर स्क्वायर है तो रूट चढ़ेगा, तो x बराबर क्या होगा 361, 361 का वर्गमूल कितना होता है 19 होता है, और यही आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। तो इसी तरह आप चाहते हैं संख्या पद्धति का तीसरा वीडियो देखना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कैसा लग रहा है वीडियो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हम आपका लाइन बाय लाइन आपका सारा कोर्स कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो है ना सिर्फ पॉलिटेक्निक वालों के लिए नहीं है, ये वीडियो ना आप बिहार पॉलिटेक्निक है तो पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल है तो पी के लिए या PPM के लिए या बिहार ITI के लिए भी आप इसे साबित कर सकते हैं, या जनरल कंपटीशन के लिए भी इसे आप। आगे वाला सवाल आप देख सकते हैं 20 नंबर लिखा हुआ है, श्रेणी क्रम -4, 2, 8 --, आगे तक गया है का 19वां पद क्या होगा,
तो आपने 10वीं में इस सवाल को पढ़ा होगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए क्या है पहला पद है, डी क्या है पद विचलन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस चार, प्लस जहाँ एन लिखा है क्या लिखेंगे 19 माइनस एक, और डी यानी इसको घटाइएगा तो दो माइनस माइनस चार इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा दो प्लस चार बराबर छः हो जाएगा। यहाँ पर छः लिख सकते हैं आप, यहाँ पर होगा माइनस चार और प्लस 19 में से एक गया 18 गुने छः तो क्या होगा 18 108 हो जाएगा, 108 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 104 होगा, और यही आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। इस फार्मूला को आपको याद रखना होगा क्योंकि इस टाइप से भी सवाल बहुत सारे आपके बिहार पॉलिटेक्निक आईटीआई या पारामेडिकल में पूछते हैं। आपको फार्मूला याद रखना है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए क्या है, ए है आपका पहला पद, एन क्या है जो पद निकालना है वही एन है, और डी क्या है इन दोनों का अंतर है। अंतर था लेकिन यहाँ पे माइनस था इसलिए अंतर ना हो के योगफल हो गया, आप देख सकते हैं, और यही हमारा सही ऑप्शन होगा, सी पर आप टिक कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, यदि 1/3.718 का जो मान है 0.2689 हो तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, यदि 1/3.718 इक्वल 0.2689 दिया हुआ है तो हमको इसका मान निकालना है 1/0.003718 का हमको मान निकालना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या ये पे यहाँ पर पॉइंट है, देखिए अंक सेमी है 3718 ये पॉइंट कितना आगे आया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट था तो आया है एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक पहले आया है, कितना अंक पहले आया है चार अंक पहले आया है। तो क्या कीजिएगा आप इसके आंसर में भी 0.2689 में भी आप चार अंक मतलब एक पर चार जीरो से आप इसको गुना कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये तो सब लोग चार अंक का हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2689 हो जाएगा, और यही हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट ऑप्शन होगा, आप इसी पर टिक कीजिएगा। ठीक है, इसके आगे वाला सवाल आप देख सकते हैं, इस बड़ा सा सोल्यूशन को हमको शॉर्ट में करना है, आप कैसे कीजिएगा, देखिए 2.3 × 2.3 × 2.3 है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2.3³ माइनस यहाँ पे 0.3³ बटा 2.3² प्लस 2.3 × 0.3 प्लस 0.3² ये पता है ये फार्मूला पर सेट हो रहा है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, इसका फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी करके, तो आप इसको a मान लीजिए इसको b मान लीजिए, तो जहाँ a लिखा हुआ आप क्या लिखेंगे 2.3 और जहाँ b लिखा हुआ पर लिखेंगे 0.3, इस तरह इसका मान क्या आएगा 2 आएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा a जो होगा आपका राइट ऑप्शन होगा। और ये किस फार्मूला से सेट हुआ है तो आपने अलजेब्रा में ये फार्मूला पढ़ा होगा ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी आप प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी, और इसी फार्मूला से हम सेट किए तो आपका राइट ऑप्शन आ गया। ऐसे आप गुना करके सॉल्व करते हैं तो काफ़ी समय लग जाएगा, इस ट्रिक को आप ध्यान में रखिए और इसी ट्रिक से इस टाइप के सवाल बनाइएगा तो जल्दी बन पाएगा। ठीक है।